शेयर करने वाली हूँ। आज इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन हैक्स है, चुटकी में हो जाने वाली DIYs है, जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर है और उसके साथ साथ एक कोलेबोरेशन भी है। मतलब आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नमस्ते, मैं हूँ अमृता, वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग DIY एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई मिनी ऑपरेशन मिस ना करे। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो 31,000 लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों के लिए थैंक यू इज अ वेरी टाइनी वर्ड, आई कैनॉट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रिज के साइड वॉल स्पेस यूज करने के लिए वी नॉर्मली यूज मैग्नेटिक हुक्स, जो कि थोड़ा सा प्राइसी तो है। चलिए आज एक DIY मैग्नेटिक हुक्स तैयार करते हैं। हम सभी के पास नॉर्मली स्टिकी हुक तो होता ही है, और हमें चाहिए ऑब्वियसली मैग्नेट्स। इस तरह के मैग्नेट आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, आप जितना वेट हैंग करना चाहती हैं उसे हिसाब से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करना है। सामान के हिसाब से अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। अभी एक नॉर्मली स्टिकी हुक लीजिए, उसे पील करें, मैग्नेट अटैच करें, बस आपका DIY मैग्नेट हुक इज रेडी। मैंने जो मैग्नेट यूज किया वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इस मैग्नेटिक हुक में मैं किचन टॉवल हैंग कर दिया। अभी आप लोग बोलोगे कि इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है, स्टिकी हुक है स्टिक कर दो। नहीं, जरूरत है, मैं बताती हूँ क्यों। अगर मैग्नेटिक हुक यूज करेंगे तो आप उसे फ्रिज की किसी भी साइड पर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लेके उस अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टिकी हुक यूज करेंगे तो उसे नहीं हटा सकते, अगर हटाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक हुक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट अगेन आई रिपीट, जितना भारी सामान उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करना है तो ही ये ट्रिक काम करेगा। आलू प्याज स्टोर करने के लिए मैं यूज करती हूँ दिस स्लिम रैक, मेरी पुरानी वीडियोस में आपने जरूर देखा होगा। नंदिता ने इस रैक की लिंक मांगी थी। नंदिता, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। एनीवे, ये रैक मेरा बेस्ट परचेज है, इसमें ऑलमोस्ट 4 किलो तक आलू स्टोर किया जा सकता है। इसमें जाली बास्केट भी है तो आलू प्याज खराब होने के डर भी नहीं है। सिर्फ बास्केट के नीचे एक न्यूज़पेपर लगा दो एंड यू आर सॉर्टेड। फ्रिज के पास जो थोड़ा सा गैप होता है उसमें ये रह जाता है, स्लाइड इन स्लाइड आउट करना भी आसान है। आलू प्याज छुप जाते हैं, किचन में विजुअल क्लटर क्रिएट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके फ्रिज के पास ये रखने की जगह नहीं है, देन आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। इस तरह की जो मेश बैग आती है ना, सॉक्स हैंकी इना स्टोर करने के लिए, वो आप यूज कीजिए। किचन की वॉल पे एक स्टिकी हुक अटैच करके इसे हैंग कर दे और प्याज गार्लिक स्टोर करें। मेश बैग की जो ओपनिंग है वो काफी वाइड है तो चीजें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये बैग मेश बैग है तो एयर सर्कुलेशन भी होता रहेगा। लेकिन आप इसमें आलू स्टोर नहीं कर सकते, वो काफी भारी होता है, मुझे नहीं लगता कि ये बैग आलू का वेट ले पाएगा, तो बेटर नॉट टू यूज दैट वे। स्टिकी हुक अगर सही तरीके से अटैच करेंगे तो वो कभी भी निकल के नहीं आएगा। आपको तो पता ही है कि इस स्टिकी हुक को मैं कब से यूज कर रही हूँ, फिर भी ये ऑलमोस्ट 1 किलो प्याज हैंग कर सकते हैं। इसमें आप गार्लिक भी स्टोर कर सकते हैं। अगर किचन वॉल पे हैंग नहीं करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक हुक के हेल्प से फ्रिज वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। ये सब के अलावा इस मेश बैग को आप किचन में डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड आई नो माई रॉकस्टार होममेकर्स विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। प्याज छिलते वक्त अगर फैन ऑन रहता है तो प्याज का छिलका इधर उधर उड़ते रहते हैं और हमें फैन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि घर बहुत गंदा हो जाता है। अगर आप प्याज छिलने से पहले उसे पानी में भिगो के रखेंगे तो उसमें 2 फायदे हैं। एक, प्याज का छिलका वेट हो जाता है इसलिए वो उड़ नहीं पाता और आप फैन के नीचे आराम से बैठ के प्याज छिल सकते हैं, और दूसरा फायदा है, प्याज कटते वक्त हमें रोना नहीं पड़ेगा। प्याज में बहुत सारे सल्फर होता है जो कि हमारे हेयर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आंख उसे झेल नहीं पाता इसलिए आंखों में पानी आता है। बाय द वे, ये सल्फर हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसे नरिश भी करता है।
आजकल का बिजी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन के कारण हमें वैसे ही बहुत ज्यादा हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर अभी सीजन है मानसून की, तो हेयर फॉल होना आम बात है। इसलिए आपका बालों को प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ममार्ट लेके आए हैं ऑनियन हेयर मास्क, जो कि बालों के रूट्स पे जाके काम करता है, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर फॉल कम करता है, डैमेज हेयर रिपेयर करता है एंड प्रोमोट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर स्कैल्प एंड हेयर। इस हेयर मास्क को यूज करने के लिए हेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एडिक्वेट क्वांटिटी में हेयर मास्क लीजिए और स्कैल्प एंड हेयर पे अप्लाई कर लीजिए। ये हेयर मास्क नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भरपूर है। इसमें ऑनियन ऑयल है जो कि स्कैल्प को नरिश करता है। पॉल्यूशन, हार्श वेदर, डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स जो कि डिफरेंट हेयर केयर प्रोडक्ट में होता है, वो सब की वजह से हेयर की न्यूट्रिशन कम होने लगता है। ये ऑनियन ऑयल वो न्यूट्रिएंट्स रिस्टोर करता है, स्कैल्प का इरिटेशन एंड इचिनेस भी कम करता है। इसमें ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर भी है जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। स्वेट के वजह से जो स्कैल्प पे बैक्टीरिया क्रिएट होता है उसे भी कंट्रोल करता है। इसमें जो कोकोनट ऑयल है वो डैंड्रफ कंट्रोल करता है, हेयर ब्रेकेज प्रिवेंट करता है। इस हेयर मास्क में रोजमेरी ऑयल भी है जो कि हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के साथ साथ प्री मैच्योर ग्रेइंग भी प्रिवेंट करता है। ममार्थ के ऑनियन हेयर मास्क हेयर पे अप्लाई करने के बाद ये मास्क को 15 से 20 मिनट तक रखना है, देन कोई भी पैराबिन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू से नॉर्मली वॉश कर लेना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए वीक में 2-3 बार इस मास्क को यूज कर सकते हैं। ममार्थ के ये हेयर मास्क डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होने के साथ साथ हार्मफुल केमिकल्स एंड पैराबिन फ्री भी होता है, तो आप इसे बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। ममार्थ के ऑनियन हेयर मास्क हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी है, देन ममार्थ के पास और एक प्रोडक्ट भी है, वो है ये आर्गन हेयर मास्क, जो कि आपके हेयर का जो फ्रीजीनेस है वो कम करने में हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात है, आप जब भी ममार्थ से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो आपके ऑर्डर के साथ एक ट्री लिंक कर देता है और वो ट्री वो खुद प्लान करता है, क्योंकि ममार्थ की प्लान है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लान करना। ममार्थ के प्रोडक्ट ममार्थ की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ अमेजन एंड नाइका में भी अवेलेबल है, और अभी तो iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए ही ममार्थ की ऐप भी अवेलेबल है। और ममार्थ की वेबसाइट या फिर ऐप से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हुए अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, मैग्नेटिक हुक सिर्फ फ्रिज या मेटल फर्नीचर के ऊपर ही आप यूज कर सकते हैं? लेट मी टेल यू द सीक्रेट, आप मैग्नेटिक हुक कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमें चाहिए सिर्फ एक डबल साइडेड टेप और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। डबल साइडेड टेप वॉल पे अटैच करें, मैग्नेट अटैच करें, अभी मैग्नेटिक हुक भी अटैच कर दे, बस हो गया ना। इसमें आप भारी चीजें तो हैंग नहीं कर सकते, लेकिन हल्का फुल्का सामान जरूर हैंग कर सकते हैं और वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 2-4 एक्स्ट्रा मैग्नेटिक हुक पड़ा हुआ है और आप उसे फ्रिज वॉल पे यूज नहीं करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। हम सभी के पास इस तरह के प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर तो होता ही है। अगर सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है इसलिए आप उसे फेंकने वाले हो, देन वेट हम इस प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर को ही एक क्विक मेकओवर देंगे। इस आइसक्रीम कंटेनर को भी एक DIY करेंगे, लेकिन बिना टाइम इन्वेस्ट करें। इस तरह के ऑर्गेनाइजर को आप सिर्फ एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर से कवर कर दीजिए, बस आपका प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर को एक नया लुक मिल जाएगा और आपका ऑर्गेनाइजर सबसे अलग भी होगा। हमारे पास डिफरेंट साइज के सेफ्टी पिन्स होता है। जब जरूरत पड़े तो बिग साइज के पिन तो इजीली मिल जाता है, लेकिन छोटा पिन बहुत ढूंढना पड़ता है। तो हियर इज अ सॉल्यूशन फॉर यू। सबसे पहले सेफ्टी पिन साइज वाइज डिवाइड कर लीजिए। अभी हमें चाहिए कुछ बुलेट लिपस्टिक्स। जो लिपस्टिक खत्म हो गया है या फिर एक्सपायर हो गया है, या फिर जो लिपस्टिक आपको उतना पसंद नहीं है, इस टाइप के डिस्कार्डेड लिपस्टिक की जो कैप है हमें उसे यूज करना है। एक डिस्कार्डेड लिड ले लीजिए एंड लिड के साथ लिपस्टिक कैप अटैच करें, बस आपका ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। अभी एक एक कैप में एक एक साइज की सेफ्टी पिन रखें। डिफरेंट साइज के पिन्स मिलना अभी आसान हो जाएगा, आप चाहे तो इसे मार्किंग भी कर सकते हैं। और ये सिंपल छोटू सा DIY ऑर्गेनाइजर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Thank you.
मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आती है कि मैम डीआईवाई करने के लिए जो कार्डबोर्ड बॉक्स हम जमा करके रखते हैं उसे कैसे स्टोर करें। बहुत ही सिंपल सा सलूशन है, कार्डबोर्ड बॉक्स हमेशा कोलैप्स करके स्टोर करें। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से बॉक्सेस के जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। तो अगर इस तरीके से कोलैप्स करके बॉक्स स्टोर करेंगे तो बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारा बॉक्स स्टोर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। आई विल सी न्यू वीडियो नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।